बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी वज़ाइफ़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। एक ऐसा वजीफ़ा जो बहुत सारे लोगों की और बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए जो है वो ज़रूरी है। औलाद के सिलसिला में वो परेशान रहते हैं, दौलत भी है, घर भी है, मकान भी है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन आंगन में औलाद की नेमत नहीं। यकीनन औलाद की नेमत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बेटा अल्लाह की नेमत है, बेटी अल्लाह की रहमत है, और जिस घर में औलाद होती है उस घर में जो है वो खुशियाँ होती हैं, घर में जो है वो एक मोहब्बतों का रंग होता है। तो हर इंसान के दिल में औलाद की मोहब्बत का शौक़ होता है। ये शौक़ तो अम्बिया अलैहिस्सलाम के दिलों में भी मौजूद था। सो बाज़ लोग कॉल करते हैं कि इस्तिकरार हमल के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा बताया जाए कि हमल नहीं ठहरता। उस हवाले से एक अहम तरीन वजीफ़ा है, इस वजीफ़े को आप अपनी ज़िंदगी में लाएँ और इंशाअल्लाह आप अगले पिछले जितने सालों से भी इस बीमारी में मुबतला थे, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा फरमाएगा और ये वजीफ़ा आप ज़रूर एक दफ़ा करें, आज़माएँ। अगर किसी औरत के अमल न ठहरता हो तो 7 दिन तक निहार मुँह रोटी के टुकड़े पर ये आयत मुबारक हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशाउ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम लिखकर उस औरत को खिलाए या वो खुद खाए, इंशाअल्लाह अमल ठहर जाएगा। चाँद की पहली रात से ही अमल शुरू किया जाए या औरत के महीना के अयाम से पाक होने गुस्ल करने के बाद से ये अमल किया जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। इस सिलसिला में मज़ीद भी आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, स्क्रीन पर मौजूद है नंबर, आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और हमसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।